So, a very warm welcome to all present in the class. Today we are going to start with a new module, the second module of our syllabus, that is states of matter. Before going to what are the different states of matter and studying individually their properties, their characteristics, and the different laws which basically govern these states of matter, we will first devote first 10-15 minutes on the different intermolecular forces which are present between the molecules and which are basically responsible for or you can say ki which basically help in these molecules to attain a different state of matter. कौन से forces होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करते करके रखते हैं एंड कौन से फोर्सेस होते हैं जो बेसिकली गवर्न करते हैं कि मेरा मॉलिक्यूल किस स्टेट में प्रेजेंट होगा वो हम स्टडी करेंगे अंडर दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इफ यू लुक एट हियर यू विल फाइंड दैट देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के आप बीच में दो तरह के फोर्सेज होते हैं. एक होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड द सेकेंड वन आर द रिपल्सिव फोर्सेज. ठीक है बच्चे, नेम इट्सेल्फ डिफाइन करता है अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या होंगे जो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके रखेंगे, है ना, अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे. रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे, दे विल इंस्ट्रक्ट द मॉलिक्यूल कि आप एक दूसरे से दूर चले जाएं. ठीक है बच्चे, रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो जनरली इंटरमोलिकुलर होते हैं. इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. And these forces basically occur due to the overlapping of the electron clouds of the molecules. जब like charges आपस में पास आने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, like charges एक दूसरे को repel करने की repel करेंगे. ठीक है बच्चे, तो repulsive forces कब आते हैं molecules में, first when we are talking about the intermolecular attraction or intermolecular interactions. Second, these basically occur due to the overlapping of the electron clouds of the molecule. We can easily interpret from this, जब दो molecule बहुत पास आ जाएंगे एक दूसरे के, then their electron clouds will overlap on one another. जब electron cloud overlap करेंगे तो क्या होगा, दोनों के electron clouds एक दूसरे को repel करेंगे. ठीक है बच्चे, so these are your repulsive forces. और repulsive forces में याद ये रखना है कि आपकी repulsive forces कब play करती हैं दो molecules के बीच में, जब molecule बहुत close आ जाएंगे एक दूसरे के. On the other hand we have attractive forces. Attractive forces molecule को नज़दीक आने में help करेंगे, और you can say they will help the molecules कि वो एक दूसरे के साथ interact करके इकट्ठे place हों. ठीक है बच्चे, अट्रैक्टिव फोर्सेस फर्दर तीन तरह के होते हैं. वी विल स्टडी दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस वन बाय वन. द फर्स्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर योर वेंडरवॉल फोर्सेस, और इट इज आल्सो कॉल्ड द वीक फोर्सेस. इफ यू लुक एट हियर व्हाट आर दीज वेंडरवॉल फोर्सेस और वीक फोर्सेस, दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन गैसेस एंड लिक्विड. और इनका मेन रोल कब होता है, व्हेन यू कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड. जब आप गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन इट लेटर टू, गैसेस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन गैसेस आपके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर प्लेस्ड होंगे, इन लिक्विड्स दे विल बी प्लेस्ड कंपैरेटिवली क्लोजर टू वन अनदर एज व्हेन वी कंपेयर इट विद गैसेस. एज मतलब इन कंपैरिजन टू गैसेस योर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन क्लोज विजिनिटी इन लिक्विड्स. ठीक है बच्चे, अगर मैंने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको गैस को कंप्रेस करूँगी. कंप्रेस करने से मेन मेरा मोटिव क्या है कि आई एम डिक्रीजिंग द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. जैसे वो डिस्टेंस रिड्यूस होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे एंड दे विल डेवलप सम अट्रैक्टिव फोर्सेस.
what are these attractive forces? These attractive forces are called van der Waal forces or weak forces. इनको weak forces हम कहते हैं because individually one force की जो energy है it can range between 4 to 40 microjoule per kilomole. ये बहुत कम होती है as compared to आपके covalent bonds and other ionic bonds. But when these van der Waal forces collectively act, जब ये सारे फोर्सेस को आप कलेक्टिवली देखते हो, दे हैव सफिशिएंट एनर्जी दैट दे कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड. इंडिविजुअली वी कैन से दे आर वीक फोर्सेस, वीक बॉन्ड, बट कलेक्टिवली दे आर मच स्ट्रॉन्गर एंड दे कैन कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर. दे कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड. फर्दर अगर मैं वैन डर वाल फोर्सेस की टाइप्स की बात करूं, देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस. द फर्स्ट वन आर द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, और इसको कीसम फोर्सेस भी बोल देते हैं, और इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोल देते हैं. द थर्ड नेम फॉर दीज फोर्सेस आर ओरिएंटेशन इफेक्ट, इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोल देते हैं. सेकेंड टाइप आर योर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस, इसको डी बाय फोर्सेस भी बोल देते हैं, और इंडक्शन इफेक्ट भी बोल देते हैं. ठीक है बच्चे. द थर्ड टाइप ऑफ फोर्सेस आर इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शंस, इसको लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन इफेक्ट भी बोल देते हैं. इन तीनों क्लासिफिकेशन में यू माइट हैव सीन वन You might have seen two terms. One is your dipole and second is induced dipole. ये dipole या induced dipole क्या होता है? I hope you understand कि dipole क्या चीज़ है. Dipole is nothing. एक molecule में positive and negative end की presence होनी is your dipole. Overall charge on your molecule is there is no charge on your molecule. जैसे हमने बात की थी water molecule की. Water molecule में we have an oxygen which is attached with two hydrogen molecule. As the electronegativity of oxygen is more than hydrogen, oxygen will attract the shared pair of electron and a partial negative charge will develop on the oxygen end and a partial positive charge will develop on the hydrogen end. Overall charge on your water molecule is zero. कोई water molecule पे charge नहीं है, but दो poles develop हो गए हैं. इस तरह के molecules जो हैं, they can develop dipole in themselves, है ना? तो dipole जहाँ भी word आएगा, दे विल जर्नली मतलब डाइपोल कौन से मॉलिक्यूल्स अपने में डेवलप कर सकते हैं. जर्नली आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल हैव और दे विल ईजिली जनरेट अ डाइपोल इन इटसेल्फ. इंड्यूस डाइपोल किन में आएगा? जो इट्सेल्फ दो एंड्स नहीं जनरेट कर सकते, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम अदर डाइपोल और बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर दे कैन डेवलप पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंड इन इटसेल्फ. जर्नली जो इंड्यूस डाइपोल इफेक्ट है ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है. दिस इज फॉर यू टू मेमोराइज. ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है. ठीक है बच्चे. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन जो हम स्टडी करेंगे दे विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, कीसम इफेक्ट और ओरिएंटेशन इफेक्ट. ठीक है बच्चे. मैंने आपसे बात की कि एक मॉलिक्यूल है वो अपने में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डेवलप कर सकता है, उसको हम डाइपोल कहते हैं. इफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कम्स इन कंटेक्ट विद अनदर डाइपोल तो उसके पॉजिटिव एंड वाली साइड दूसरे मॉलिक्यूल का कौन सा एंड जो होगा वो प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली द नेगेटिव एंड, बिकॉज पॉजिटिव एंड ऑफ दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल विल instruct the second molecule to orient its negative end toward itself. ठीक है. Second molecule will instruct the third molecule to orient its, वो कैसे orient करेगा? वो next molecule के negative end को अपने positive end की side में करेगा and the positive end will be facing away from that end. You can say कि if a dipole is present, it will instruct the other dipole to orient
डिपेंडिंग अपॉन कि उस फर्स्ट डायपोल की क्या प्रेफरेंस है. इसीलिए हम इस इफेक्ट को ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक स्पेसिफिक पैटर्न में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं. ठीक है बच्चे, मैंने बात की डायपोल हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स में डेवलप होता है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल व्हेन इंटरैक्ट विद अनदर पोलर मॉलिक्यूल्स, देयर यू विल फाइंड डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस. एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल, वाटर, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, और एनी अदर पोलर मॉलिक्यूल जो कि डायपोल डिवेलप कर सकता है. सेकेंड क्लास इज योर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन. हेयर योर पोलर मॉलिक्यूल जो कि डायपोल डिवेलप कर सकता है, दे विल इंटरैक्ट विद अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पोलर मॉलिक्यूल और इन द प्रेजेंस ऑफ दैट डायपोल, the non-polar molecule will develop, will have induced dipole in itself. Polar molecule induce karega non-polar molecule ko ki wo apne aap mein dipole generate kare, poles generate kare, apna positive or negative end generate kare. To us tarah ki interaction ko aap kya bologe, dipole induced dipole interaction or Debye forces bol dete hain isko. Or because डाइपोल इज गेटिंग इंड्यूस्ड इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडक्शन इफेक्ट. इसको हम इंडक्शन इफेक्ट भी बोल देते हैं. इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. व्हेन वाटर इज इंटरैक्टिंग विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस तरह की इंटरैक्शन उसमें प्रेजेंट होती है. द थर्ड टाइप इज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. हमने बात की इंड्यूस डाइपोल हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है. सो इन दिस कैटेगरी योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स व्हेन इंटरैक्ट विद इन अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देयर दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन कैन टेक प्लेस, है ना. अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इटसेल्फ तो नहीं है, ठीक है, या तो कोई और डाइपोल प्रेजेंट हो आपके क्लोज विसिनिटी में, तभी उसमें डाइपोल इंड्यूस होगा. और इन सम केसेस क्या होता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिपीटेडली मूविंग पोजीशन में होता है, लगातार वो मूव कर रहा होता है, देयर माइट बी सम चांसेस कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके मॉलिक्यूल में कुछ टाइम के लिए डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है. अब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो गया क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर रहा था, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो अपनी क्लोज विसिनिटी में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उनको इंस्ट्रक्ट करेगा और उनमें इंड्यूस करेगा डाइपोल. इस तरह की इंटरैक्शन को हम क्या कह देते हैं, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन. पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल ने इंड्यूस की डाइपोल अपने में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने, जैसे ही इंड्यूस हुई उसने अपने क्लोज विसिनिटी के मॉलिक्यूल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो भी अपने में इस तरह की इंटरैक्शन इंड्यूस कर ली. इनको हम लंडन फोर्सेस भी बोल देते हैं और डिस्पर्शन इफेक्ट भी बोल देते हैं. ठीक है बच्चे, क्लियर है. दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ फोर्सेस विच आर वैन डर वाल फोर्सेस और वीक फोर्सेस. The second class, this is your first class of attractive forces. The second class is ion dipole and ion induced dipole interactions or forces. If we study this type of forces, these are weak attractive forces between polar or a non-polar molecule, because in the name itself we are having ion dipole. Agar dipole hai, that means we are talking about the polar molecule. Ion induced dipole. Whenever we have induced dipole, we are talking about the non-polar molecules. So this is a weak force of attraction between a polar or a non-polar molecule and an ion. Ek ion hoga, uske saath ya to polar molecule interact kar raha hai, it will be ion dipole in forces. Ion ke saath agar non-polar molecule interact kar raha hai, it will be ion induced dipole forces. ठीक है, दीज टाइप ऑफ फोर्सेस दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन सोलबलाइजेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स इन वाटर. जब आयनिक क्रिस्टल्स को आपने सोलबलाइज करना है इधर इन अ पोलर और अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इस तरह की इंटरैक्शन आपकी रोल प्ले करेगी. ठीक है बच्चे, मैंने पहले भी कहा दो तरह की इंटरैक्शन है, आयन डाइपोल एंड सेकेंड आर द आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस.
ion dipole forces, they are comparatively stronger as compared to the ion induced dipole forces. ठीक है बच्चे, आयन डाइपोल में आपकी इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द सॉलिबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वॉटर, NaCl की सॉलिबिलाइजेशन इन वॉटर हम पहले भी करते रहे हैं, डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही सोडियम क्लोराइड को आप वॉटर में ऐड करोगे तो क्या होगा, सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन विल सेपरेट इटसेल्फ एंड इट विल बी यू नो कंप्लीटली कवर्ड बाय योर वॉटर मॉलिक्यूल्स. वॉटर मॉलिक्यूल उसको कवर कर लेंगे. योर ऑक्सीजन और द नेगेटिव एंड विल बी फेसिंग टूवर्ड इनसाइड एंड योर पॉजिटिव एंड विल बी फेसिंग टूवर्ड आउटसाइड व्हेन यू आर यू नो इनक्लोजिंग योर सोडियम आयन. ऑन द अदर साइड योर वॉटर मॉलिक्यूल विल ओरिएंट इनटू सम अदर डायरेक्शन with your hydrogen end orienting toward your chloride ion and your oxygen facing outside because your chloride ion is negatively charged and your hydrogen end of the water molecule of your dipole is positively charged. Your what and oxygen ka jo negative end hai wo aapka बाहर को फेसिंग होगा. तो इस तरह की फोर्सेस को आप क्या कह देते हो, आयन डाइपोल फोर्सेस. द सेकंड टाइप आर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जिसमें एग्जांपल आ जाती है आपकी सोलुबलाइजेशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. यहां आप सोलुबलाइज कर रहे हो एक आयन को इनटू अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. आयन की प्रेजेंस में उस नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा और फिर जो वो दो आपस में इंटरैक्ट करेंगे दे विल इंटरैक्ट बाय दीज पर्टिकुलर फोर्सेस एंड दीज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस दे आर कंपैरेटिवली वीकर एज कंपेयर टू द आयन डाइपोल फोर्सेस. सो द थर्ड टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, वी हैव कवर्ड द वैन डर वाल्स फोर्सेस, वी हैव कवर्ड द आयन डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. द थर्ड टाइप इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ी भी है. हेयर आई हैव जस्ट यू नो लिस्टेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चे आपकी इंटरमोलिकुलर भी हो सकती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है. इट कैन बी इंट्रामोलिकुलर टू. इंट्रामोलिकुलर मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन प्ले अ रोल. ठीक है बच्चे, इसकी एग्जाम्पल जो हम लोग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ रोल प्ले करेगी, फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनियन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम. एक तरफ आपका हाइड्रोजन एटम होएगा एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ऑन द अदर एंड यू विल हैव अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच कैन बी योर फ्लोरीन, विच कैन बी नाइट्रोजन, विच कैन बी ऑक्सीजन. ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स में एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, व्हेन दे इंटरैक्ट विद वन अनदर दैट इंटरैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, ये आपकी इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है, इंटरमोलिकुलर. इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंडर भी हो सकती है, इंटर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है. एग्जाम्पल आइस, हम सबको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट ही बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और जर्नली जो चीज़ें हमारी वाटर में सॉल्युबलाइज होती हैं वो जर्नली ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सॉल्युबलाइज होती हैं. सेकेंड डाइमर ऑफ फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड में आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है एंड बिकॉज एसिड जो है वो COOH ग्रुप है. You have acid, oxygen molecule too, you have hydrogen molecule too. They will interact with one another via your hydrogen bond. ठीक है बच्चे? Next are, what are the factors which will govern कि किस तरह के forces, whether an attractive or a repulsive forces, आपके molecules के बीच में act करेंगे. और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो फर्दर वो थ्री टाइप्स में से कौन सी टाइप होगी जो आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगी और दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मॉलिक्यूल टू हैव अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर.
तो तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बच्चे दैट विल गवर्न कि आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में किस फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और सेकेंड विच टाइप ऑफ फोर्स. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज योर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस. मैंने आपसे बात की कि रिपल्सिव फोर्सेस हमेशा एक्ट करेंगी व्हेन द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस, बिकॉज जब लेस डिस्टेंस होगा तब आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में इंटरैक्ट करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे एंड दे विल टेंड टू रिपेल वन अनदर. ठीक है बच्चे, तो देयर इज वन डिस्टेंस स्पेसिफाइड. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज बिटवीन 0.3 to 0.4, अगर 0.3 से 0.4 के बीच में डिस्टेंस है, योर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल टू योर रिपल्सिव फोर्सेस. आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज बिटवीन 0.3 to 0.4 नैनोमीटर, तो आपकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी. बिलो दिस डिस्टेंस, मतलब आप 0.3 से नीचे जाते हैं और क्लोजली मॉलिक्यूल्स को लेके आते हैं, योर रिपल्सिव फोर्सेस विल बी मोर, आपकी रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होगी. अबव दिस डिस्टेंस 0.4 से ज्यादा आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करेंगी. अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स में, नो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन विल टेक प्लेस. ईच मॉलिक्यूल विल हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगी. सो द फर्स्ट फैक्टर इज कि आपका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है. द सेकेंड फैक्टर इज आपके मॉलिक्यूल की क्या नेचर है. आपका मॉलिक्यूल आयन है, आपका मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन इज प्रेजेंट. दैट विल गवर्न कि किस तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, वेदर दे विल बी वैंडरवाल टाइप, वेदर दे विल बी आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दैट विल बी गवर्न कि आपकी इंटरैक्शन किन मॉलिक्यूल्स के बीच में है, क्या मॉलिक्यूल्स की नेचर है. सो द सेकेंड फैक्टर इज योर मॉलिकुलर नेचर. द थर्ड फैक्टर इज वॉट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ योर मॉलिक्यूल. वी हैव हर्ड टू टर्म वट वन इज ट्रांस एंड सेकेंड इज सिस कॉन्फिगरेशन. हमने ट्रांस और सिस कॉन्फिगरेशन पढ़ी है. फॉर एग्जाम्पल मैं ब्यूटेन की एग्जाम्पल ले रही हूँ. वन आई हैव cis configuration of butane, this is my cis configuration of butane, and on the other hand I have not attached hydrogen valency, मैंने पूरी नहीं की. सिंपली मैं आपको चेन बता रही हूँ. दिस इज माई ट्रांस ब्यूटेन. आउट ऑफ दिस सिस एंड ट्रांस ब्यूटेन, माई सिस ब्यूटेन विल हैव मोर ऑफ अ रिपल्सिव फोर्सेस. सिस ब्यूटेन की जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन ट्रांस ब्यूटेन, क्योंकि सिस ब्यूटेन में एक ही साइड में आपकी कार्बन और द नेगेटिव एंड इज यू नो आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी एक ही साइड में इकट्ठी होती है. इन द ट्रांस ग्रुप योर नेगेटिव साइड और द नॉन पोलर नेचर इज स्कैटर्ड टूवर्ड बोथ द साइड. तो जो आपकी रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा आपकी सिस ब्यूटेन में होंगी एज कंपेयर टू योर ट्रांस ब्यूटेन, दैट मीन्स सिस ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स को आप बहुत क्लोज नहीं ला सकते क्योंकि उसके बाद वो आपके रिपल करना शुरू कर देंगे. ट्रांस को कंपैरेटिवली आप क्लोजर ला सकते हो क्योंकि उसमें रिपल्सिव फोर्सेस वीकर है एज कंपेयर टू दोस प्रेजेंट इन द सिस. सो वी हैव थ्री डिफरेंट फैक्टर्स विच विल गवर्न कि किस तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे.